सर, क्या ऐसा कभी हुआ है कि जहां लोगों ने अपनी विशेषता किसी दूसरे को दी हो और इस पर कुछ बड़ा काम हुआ हो? बिल्कुल हुआ है। हमारा माँ दुर्गा आदि देवी बोलते हैं ना हम, तो वो सबसे पहली ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर रही होंगी मेरे हिसाब से। हुआ कुछ यूं था कि महिषासुर तपस्या कर बैठा और शिव जी से, ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से वरदान पा गया जी। वरदान पा गया कि शस्त्र से नहीं जाएगा, इससे नहीं जाए मरेगा, उससे नहीं मरेगा, देव नहीं मार सकते, मनुष्य नहीं मार सकते, फिर ये तमाम तरह की जितने भी वरदान है वो पा गया। पा जाने के बाद उपद्रवी हो गया, देवताओं को परेशान करना शुरू किया। तो सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा महेश विष्णु जी के पास, तो तीनों ने बताया कि ये तो हमारे वरदान से ऐसा हुआ है, अब हमारे अकेले के बस का नहीं है कि हम इसे परास्त कर सकें। देवताओं ने बोला कि भाई, लेकिन ये जो चैलेंज है, ये जो कठिनाई है, ये बिल्कुल नई तरह की है और परेशान कर रही है हमें, किया क्या जाए? तो सबने तय किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने तय किया कि चलो हम एक शक्ति, एक आदि देवी की तैयारी करते हैं। तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और महेश जी ने मिलकर अपनी शक्तियां इकट्ठी की और माँ दुर्गा प्रकट हुई सामने। सबने प्रणाम किया, बिल्कुल ओजस्वी तेजस्वी देवी तैयार हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि ये काफी नहीं है, बाकी आप लोग जो हैं, आप में से कुछ लोग भी कुछ कुछ शक्तियां अपनी दें इनको, ताकि ये युद्ध के लिए सशक्त हो सके। हाँ बिल्कुल हो सके। तो हम ये जानते हैं कि शिव जी ने अपना त्रिशूल दे दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दे दिया, यमराज ने अपना खड्ग दे दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, वायु ने अपना तीर कमान दिया, कुबेर ने अपना गदा दिया। इस तरह अलग अलग शस्त्रों से लैस होकर, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों से तैयार होकर माँ दुर्गा चली। कहाँ से चली? बोलते ना कि विंध्याचल से पैदा हुई थी और महिषासुर के लिए गई, तो महिषासुर कहाँ का हुआ? मैसूर का था, जो कि कर्नाटका में अभी है। तो मैसूर तक गई, घमासान लड़ाई हुआ। महिषासुर की ये विशेषता थी कि उसका आकार, ढांचा, उसकी क्षमताएं, वो बदल सकता था समय समय पर। तो कभी वो एक सांड बन के आक्रमण करने आ जाए, तो कभी एक हाथी बनकर आ जाए, कभी एक सुअर बनकर आ जाए, तो कभी एक भैंस बनकर दौड़ता चला आए। माँ दुर्गा की तैयारियां थी और उन्होंने महिषासुर का वध किया। अब ना तो माँ दुर्गा के आने से ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण यम वायु इनकी, इनके ऊपर कोई असर पड़ा, मतलब इनकी शक्तियां कम नहीं हुई, ना ही वो कम पूजनीय हुए जी। लेकिन उस समय की आने वाली कठिनाई के लिए इन सबों ने एक ऐसी देवी का तैयार, एक ऐसी देवी को तैयार किया था जो कि इस पृथ्वी को, महिषासुर से मुक्ति दिलाई इस पृथ्वी को। तो ट्रांस डिसिप्लिनरी वर्क जिसे हम बोलते हैं, वो तो एक पुरानी घटना रही है हिंदुस्तान में, और ये बिल्कुल ही संभव है। जब महिषासुर के क्षेत्र में संभव हो सकता है, तो किसी भी क्षेत्र में संभव हो सकता है।